What's up guys, की हाल चाल। So आज की वीडियो में हम लोग ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, ज्यादा व्लॉग नहीं दिखाएंगे, एकदम फटाफट एक बाइक के बारे में बात करेंगे, जो बाइक है ट्रायम का स्पीड 400, जो अभी मार्केट में भाई आतंक मचा के रखा है। जहां भी खोलो, यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, या फिर पेपर ही खोलो, शेयर मार्केट ही खोलो, हर जगह स्पीड 400 का ही चर्चा है। ट्रायम और बजाज मिलके एक इतना सही बाइक निकाला ना, इतना सही बाइक निकाला कि क्या बताए। सो अभी ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसी ट्रायम 400 के ऊपर। सो वीडियो में बने रहना, अगर आप नए हो तो ठोको सब्सक्राइब, एक लाइक एक कमेंट करके जाना वीडियो अच्छा लगे तो। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसके इस बाइक के ऊपर। तो ये बाइक एकदम न्यूली लॉन्च हुआ है, अभी जस्ट 1 वीक पहले ये लॉन्च किया गया है ऑटो इंडिया में। और सबसे बेस्ट बात पता है इसका क्या है कि स्पेशल इंट्रोडक्टरी एक ऑफर चल रहा है, जिसमें ट्रायम बजाज ने मिलके एक बहुत ही खतरनाक वाला ऑफर दिया। वो ऑफर ये है कि फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स जो ये बाइक बुक करेंगे, उन लोगों को ये बाइक मिलेगा 10,000 रुपीज़ डिस्काउंट में, मतलब 223,000 में मिलेगा एक शोरूम। और 10,000 यूनिट सोल्ड हो जाने के बाद ये बाइक का प्राइस हो जाएगा 233,000 एक शोरूम। ठीक है, ये पूरा पूरी एक शोरूम है। तो इसके बाद डीलर कितना चार्ज करता नहीं करता पता नहीं, बट हाल ही में एक पोस्ट देख के पता चला कि डीलर लोग इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे, जैसे डिलीवरी चार्ज एंड ऑल, जो कि कोई शोरूम में कोई बाइक में नहीं होता है। ये बाइक में अभी ट्रायम डीलर लोग क्या कर रहे हैं ना, 17,000 का एक क्या बोलते हैं डिलीवरी चार्ज लगा रहे, जिसमें बाइक को पॉलिश करके देंगे, बाइक में पेट्रोल डाल के देंगे। ये कहाँ का सिस्टम है मेरे को पता नहीं है, पहले भी हम बाइक ले चुका बट ये सिस्टम हम कोई भी शोरूम में देखा नहीं है। पता नहीं भाई, बजाज और ट्रायम मिलके इतना अच्छा बाइक निकाले, बट अभी डीलर लोग इसमें बीच में अगर घोटाला करेंगे तो फिर हो गया, ये बाइक और बिकेगी नहीं। ऐसे तो वह हर जगह पोस्ट दिख रहा है कि बुक्ड द न्यू स्पीड 400 दिस दैट ये वो। सो सबसे पहले हम लोग आपको ये बाइक के बारे में बताते हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताते हैं। तो ये बाइक 3 कलर में लॉन्च किया गया है, एक है रेड, एक है ब्लू, एक है ब्लैक। सो तीनों कलर के साथ कुछ ना कुछ का कॉम्बिनेशन है, जैसे रेड के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ब्लू के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक के साथ भी ग्रे का कॉम्बिनेशन है। और लुक इतना बढ़िया किया कि क्या बताएं, ये 400cc का बाइक लग ही नहीं रहा। एंड हैंडल बार मिरर जो दिया ना, वो बहुत ही स्टाइलिश दिया। तो ये बाइक ना बजाज ने एक सही काम किया, जो लोग मिडिल क्लास पीपल है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्टाइलिश बाइक मोटो व्लॉगिंग के लिए या फिर राइड के लिए, वो लोग ये बाइक आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलो मान लो सब कुछ मिला के 2.5 लाख में, ठीक है, 2.5 लाख में इतना अच्छा ट्रायम का बाइक फॉर दी फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है। एंड थैंक्स टू बजाज इसके साथ कोलैब करने के लिए। जैसे बजाज ने KTM लाया था, हस्क्वर्ना लाया था, वैसे ही बजाज अभी ट्रायम भी ला रहा है। और इस कोलैब के चक्कर में ना गाइस, जो रॉयल इनफील्ड का शेयर है वो भी पूरा डाउन हो गया, क्या बताए। तो अभी फिर हम लोग बैक आते हैं, तारीफ जितना तारीफ करे उतना कम है इस बाइक के बारे में। तो और बजाज इसके ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस बाइक के ऊपर कि सर्विस इंटरवल दिया है 12 मंथ्स का या फिर 16,000 किलोमीटर, मतलब समझ लो हम लोग बस कावासाकी है तो हम लोग अराउंड 4,000-6,000 या फिर 8,000 में सर्विस करा लेते हैं, बट ये बाइक का भाई 16,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल दिया। आप लोग समझ लो भाई, क्या ये खतरनाक बवाल मचाने वाली है ये। वैसे तो हम भी ये बाइक बुक करने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो शोरूम में आ जाते हैं, इसका फर्स्ट लुक देख लेते, बैठ के देख लेते, क्योंकि बिना टेस्ट राइड करके बाइक लेके कोई मज़ा नहीं है। तो पहले शोरूम में आ जाए, देख ले, बैठ ले, थोड़ा सा फर्स्ट ओवरऑल राइड ले ले, उसके बाद फिर लेने का सोचेंगे। और ऐसे देखो, जैसे आपका ZX10 आ रहा है या R15 है या फिर KTM है, ऐसे गिजिज करता है ना रोड में, वैसे ये वाला बाइक जो है ना, ये वाला बाइक भी गिजगिज करेगा भाई रोड में। इतना ज़्यादा अमाउंट में ये बाइक बिकेगा ना, बहुत ही ख़तरनाक अमाउंट में बिकेगा। एंड वैसे भाई मुझे थोड़ा सा शौक है, यूनिक टेस्ट है मेरा, तो थोड़ा सा यूनिक एक हट के बाइक रखता है हम। तो लेट्स सी, जब ये बाइक आएगा एक टेस्ट राइड लेंगे, टेस्ट राइड लेके देखेंगे, बाद बाइक अगर अच्छा लगा तो फिर भाई वी कैन गो फॉर दिस बाइक। और ये बाइक बहुत ही स्टाइलिश है, ऐसे सिटी रोड्स एंड ऑल के लिए भी बहुत ही सही है। जो फ्यूल टैंक दिया है वो 13 लीटर का दिया है, मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 40 PS, आई मीन 39.5 BHP का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8,000 RPM में, ठीक है। मैक्स टॉर्क 37.5 NM का। उसके बाद
फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी है, एग्जॉस्ट जो है वो स्टेनलेस ट्विन स्किन हेडर सिस्टम है, जो मैं बता रहा था आपको, स्टाइलिश मतलब ट्विन स्किन हेडर। वाह वेरी गुड। और जो चेसिस दिया ना, चेसिस भी थोड़ा सा, चेसिस मतलब क्या, वो जो फ्रेम है बाइक का, जो फ्रेम है वो हाइब्रिड स्पाइन है। देखिए अभी तो जो साइड में है, साइड में अभी तक वो फ्रेम दिखाया नहीं है, बट हाइब्रिड फ्रेम है, मतलब देखना पड़ेगा कैसा फ्रेम बनाया है इसका। स्विंग एम एन ऑल सब सेम है, फ्रंट व्हील एन ऑल सब सेम है, फ्रंट टायर 110 का है जो नॉर्मल है, रेयर टायर जो है वो 150/60 दे रहा, 150/60 दे रहा फ्रंट रेयर टायर, दैट्स अगेन गुड इनफ। फिर सामने भी डिस्क मिल जाता आपको सिंगल, पीछे भी डिस्क मिल जाता सिंगल, 300 mm का सामने एंड 230 mm का पीछे, दैट्स अगेन गुड इनफ। और जो इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्ले है वो आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है विद इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन LCD स्क्रीन, मतलब जो स्पीड है आपका वो दिखाएगा एनालॉग में, और आपका जो गियर है, गियर चेंज जो हो रहा है, फ्यूल कितना है नहीं है ये सब जो हो रहा है, उसके बाद फिर जितना आपका मोड्स एंड ऑल है वो सब आपको दिखेगा LCD स्क्रीन में एनालॉग में। बहुत ही बढ़िया बाइक का जो वेट दिया वो 176 kg का दिया है, तो 400 cc के बाइक के हिसाब से 176 kg इज़ गुड इनफ। हाईवे में हाई स्पीड में आई थिंक वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, बाइक जब आएगा तब हम लोग टेस्ट राइड लेंगे और देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है हाईवे में। कंपनी तो बहुत कुछ बोलती है बट जब तक रोड में गाड़ी नहीं आता तब तक समझ में नहीं आता, और ऐसे ही आप लोगों को पता है हम लोगों का जो इंडियन रोड है वो भाई साहब कतई जहर है, हम लोग इंडियन रोड जो है ना कतई जहर है, जो लोग राइड करता है ना उन लोगों को पता है। और टैंक कैपेसिटी जो है वो 13 लीटर का दिया है, अगर बाइक अच्छा खासा माइलेज दे देता तो 13 लीटर इज़ गुड इनफ, बट अगर बाइक 20 के नीचे माइलेज दे रहा है दैट मीन्स 13 लीटर इज़ नॉट गुड इनफ, आपको बार बार राइड में फ्यूल अप करवाना पड़ेगा लॉन्ग राइड में। वैसे तो ये बाइक देख के जैसा लगता है भाई, अगर कोई सुपर बाइक ओन करता है और उसको एक सिटी में चलाने के लिए एक बाइक चाहिए जिसमें वही मज़ा मिले, तो फिर ये बाइक उसके लिए बेटर है, सिटी राइड के लिए बहुत ही बेटर है। और ऐसे में भी जो लोग बाइक अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर मोटो व्लॉगिंग या फिर क्या बताएं थोड़ा स्टाइल मारने का शौक़ रखते हैं, जो लोग R15 KTM चलाते हैं, जो लोग R15 KTM से बोर हो चुके हैं वो लोग ट्रायम का जो लोग है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला बाइक को लेके। बाद बाकी बढ़िया रोड रिस्पॉन्स इसको बहुत सही मिलेगा, जैसे लग रहा भाई लुक देख के जो लग रहा ना रोड रिस्पॉन्स इसको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। ऐसे भी ट्रायम का बाइक को रोड रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिलता, तो बस और ज़्यादा बात नहीं करते, जैसे ही बाइक यहाँ पे आएगा हम लोग एक टेस्ट राइड लेंगे, फर्स्ट लुक दिखाएंगे आप लोगों को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाए, अगर अच्छा लगा कुछ हेल्प हो गया आप लोग का तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।